वेलकम टू माय चैनल। जो ये आज का वीडियो है वो स्कूल एडमिशन्स को लेके है, जो पेरेंट्स के लिए है। और एडमिशन्स के टाइम पे हम बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में होते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं चारों तरफ से। हमारी कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ भी होती है। हम कई बार, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स चाहते हैं कि घर के पास हो स्कूल, और स्कूल साथ में अच्छा भी हो, उसका नाम भी हो, स्टेबल भी हो, और जिनका रिज़ल्ट भी अच्छा रहा हो अभी तक का, और बच्चों के साथ वो अच्छी तरह पेश भी आते हों। तो इस तरह की सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, और साथ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बाहर के लोगों का, जैसे हमारे नेबर्स होते हैं या किसी का बच्चा अच्छा कर रहा होता है। इट डिपेंड्स, इट नॉट ओनली डिपेंड्स अपन के स्कूल कि वो बच्चा सिर्फ स्कूल से अच्छा कर रहा है या कैसे, बट हम जब एक देखते हैं कि एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो हम जनरली पूछते हैं कि भाई आप किस स्कूल में जाते हो, ये इस तरह से होता है। और स्कूल का इन्फ्लुएंस तो होता ही है, ऐसा नहीं है, बट इतना भी मतलब हमें स्कूल को पूरा क्रेडिट नहीं दे देना चाहिए। पेरेंट्स का भी क्रेडिट होता है उसमें, फैमिली बैकग्राउंड का भी क्रेडिट होता है उसमें। तो ये तो जनरल बात थी। मैं आपसे एक यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ कि ये क्या जस्टिफाई है सिचुएशन। आप सुनिए पहले पूरी सिचुएशन। मेरी बड़ी बेटी ऑलरेडी एक स्कूल में जाती है, सेम स्कूल में मैं अपने बेटे का एडमिशन करवाने की सोच रही हूँ। बहुत अच्छा स्कूल है, मुझे बहुत पसंद है, हर तरीके से उसमें बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ है और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। टॉयलेट में हमेशा जो है, वॉशरूम में हमेशा एक जो अटेंडेंट रहती है, और स्कूल का कुरिकुलम बहुत अच्छा है। दे हैव अ नाइस पब्लिशर ऑल्सो, बुक्स बहुत अच्छी है, जो होमवर्क का जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। स्कूल का टाइमिंग अर्ली है तो वो जल्दी जाके जल्दी आ भी जाती है स्कूल से, तो उसके पास अदर एक्टिविटीज़ करने का टाइम। अब आते हैं मेन इशू पे। मैं अपने बेटे के लिए जो स्कूल वो ढूंढ रही थी वो काफ़ी नामी स्कूल है। मेरे फ्रेंड्स के बच्चे भी उस स्कूल में जाते हैं, दैट इज़ अ संस्कृति स्कूल ऑफ पुणे। यहाँ पे उसकी चार ब्रांचेस है, एक बावधान में है, एक वाघोली में है, एक बुकुम में है, और एक उंदरी में है। तो आई वॉज इंक्वायरिंग फॉर वाघोली। अब स्कूल की किसी भी कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इंक्वायरी जो है वो प्रोडक्ट की अपने या सर्विसेज की वो फ्री रखे, फ्री ऑफ चार्ज रखे। ठीक, अब मैंने उसे कॉल किया ऑफिस में उनके, क्योंकि अभी तो यहाँ से ज़्यादा दूर पॉसिबल नहीं है, तो ऑनलाइन अभी सारे स्कूल्स फैसिलिटी भी दे रहे हैं कि अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो आप फ़ोन पे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, या तो वीडियो कॉल में वो अटेंड कर लेंगे आपको। मैंने कॉल किया उन्हें, फर्स्ट टू कॉल्स में किसी ने उठाया नहीं, दैट इज़ दे जो नंबर उन्होंने अलॉट किया था वो एडमिशन्स के लिए अलॉट किया हुआ था उनकी वेबसाइट पर। फिर मैंने एडमिन में कॉल किया, और एडमिन ऑफिस में तो वहाँ पे जो सर बैठे थे उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तो शायद वो मीटिंग चल रही होगी एडमिशन्स की शायद, तो वो अवेलेबल नहीं है जो ऑफिसर्स है या मैडम है जो टीचर है, तो आप 2:00 के बाद में कॉल करिए। मैंने बोला ठीक है। फिर सर मैंने जब 2:30 पर मैंने कॉल किया, तभी भी एडमिशन वाले फ़ोन में किसी ने कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने वापस एडमिन वाले सर को कॉल किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम हम इस तरह से जानकारी नहीं देते हैं स्कूल की, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए स्कूल की, और वहाँ पे जाके इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कीजिए। मैंने बोला ओके, दैट इज़ ओके। अब मैं जब वेबसाइट पे गई तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि आप अपने हाथ में 10 मिनट रखिए, और जो पेपर से जैसे टीसी हो गया या आपके बर्थ सर्टिफिकेट हो गया वो हैंडी रखिए, क्योंकि आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम उन्हें शायद अपलोड करना पड़ सकता है। मैंने बोला ठीक है। अब मैंने फॉर्म भरना चालू किया, 7 पेजेस का फॉर्म था वो। शुरुआत में बच्चे की जानकारी, आपको कहाँ से पता चला, बच्चे की उम्र, वो सब कुछ जो जनरल इंक्वायरी होती है स्कूल्स में वो थी। जब मैं इस तरह से मैं करते करते जब लास्ट पेज पे पहुँची तो उन्होंने मुझसे बैंक ट्रांसफ़र मांगा, फीस मांगी, दैट इज़ 950 रुपीज़, दैट इज़ अराउंड 1000 रुपीज़ ही हो गया, 950 हो गया। और पर मुझे तो सिर्फ इंक्वायरी करनी थी, तो इंक्वायरी का चार्ज मैं 950 रुपीज़ क्यों दूँ? इंक्वायरी तो कहीं पे भी फ्री होनी चाहिए। तो जब मैंने उसको, मैंने फॉर्म को डिक्लाइन कर दिया, मीन्स रिजेक्ट कर दिया कि मैंने आगे फर्दर मैंने नहीं किया। फिर मैंने उन सर को वापस कॉल किया,
मैंने बोला कि सर देखिए आपकी वेबसाइट में इस तरह से 950 रुपीज़ मुझसे मांग रहा है इंक्वायरी के। मैं सिर्फ इंक्वायरी करना चाहती हूँ कि मुझे जो जान मुझे कुछ कन्फ्यूजन है जैसे बस स्टॉप्स को लेके, पब्लिशर्स को लेके कि कहाँ की बुक आप रेफ़र करते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ है स्कूल में, कि इन फैसिलिटीज़ का क्या चार्ज है, ये इन सब को जानने के लिए मुझे मैंने आपको कॉल किया था, इंक्वायरी के लिए फ़ोन किया था। उन्होंने बोला नहीं मैडम 950 हम ऐसे जानकारी कोई किसी को नहीं देते हैं, आपको जानकारी के लिए 950 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो मैंने उनसे साफ साफ बात की, मैंने बोला सर मैं आपके स्कूल के बारे में कुछ जानती नहीं हूँ, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, आप कहाँ से बुक रिफ़र करते हैं, आपका किस बोर्ड में आप किस क्लास तक आपका स्कूल है, उसके बाद में कौन कौन से फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं, आपकी बस स्टॉप कहाँ तक है, क्या क्या है, ये सब जानकारी मुझे नहीं पता है, मुझे और भी क्वेश्चंस है जो मैं पूछना चाहती हूँ, वो बिना जाने मैं आपके स्कूल में आपका एडमिशन फॉर्म भर दूँ और आपको 950 रुपीज़ दे दूँ। तो बोले हाँ मैडम हम बिना पैसे लिए हम इंक्वायरी नहीं। तो मतलब आप देख लीजिए कि मतलब कितने अनप्रोफेशनल लोग हैं इस दुनिया में जो एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं। और ये जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ वो संस्कृति स्कूल का है जो यहाँ पे काफ़ी नामी बड़ा स्कूल है, और इतना इर्रिस्पॉन्सिबल उनका एडमिन प्रोसेस कैसे हो सकता है। आप सोचिए कि उन वो बिना आपको फॉर्म, ये जो इंक्वायरी फॉर्म है उनका फ्री होना चाहिए था किसी के लिए भी। अगर आप एडमिशन फॉर्म और इंक्वायरी फॉर्म के बीच में डिफरेंस नहीं जानते हैं तो आपको कोई स्कूल चलाने का हक नहीं है, क्योंकि अगर इंक्वायरी फॉर्म के आप सिर्फ 950, ऊपर से अगर जब मैं क्लेरिफाई करने जा रही हूँ उनके ऑफिस में तो वो मुझे बोल रहे हैं कि नहीं 950 रुपीज़ दिए बिना मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता। ये कहाँ तक आप बताइए मुझे जस्टिफाई है ये सब चीज़ें जो है मैं बता रही हूँ आपको, कौन करता है ऐसा। हम 2000 रुपीज़ फॉर्म की, एडमिशन फॉर्म की फ़ीस होती है आजकल स्कूल्स में, वो देने को भी रेडी है, बट आपकी आप एटलीस्ट हमारी क्वेश्चंस, हमारी क्वेरीज का आंसर तो कीजिए। बिना आंसर किए आप चाहते हैं कि हम एडमिशन फॉर्म फिल कर दें आपका, मतलब ये तो काफ़ी अच्छा तरीका हो गया पैसे कमाने का कि आप फॉर्म फिलअप करते जाइए, आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है 950 रुपीज़ तो आपको पे करने ही। मतलब जो आम जनता है वो ऐसे ही पैसे कमा रही है बिना बेवजह के, मतलब पैसे आ रहे हैं हमारे जेब में जो हम इस तरह से 950 रुपीज़ उड़ाते रहे। तो ये मेरा वीडियो था वो एडमिशन प्रोसेस के लिए था कि इस तरह की अगर चीज़ें होते हैं तो इस तरह की चीज़ों को आप बढ़ावा ना दें, उस स्कूल में ज़रूर जाके अपनी बात को बताएं कि ये सब गलत हो रहा है, मैंने तो बताया है और मैंने एडमिन वहाँ पे ऑफिस में बात भी की है, पर उन्होंने मुझे बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया और उन्होंने कहा कि नहीं मैम आपको 950 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो जब तक हम अपनी इसके लिए हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। दैट इज़ ऑल अबाउट द संस्कृति स्कूल ऑफ पुणे। Thank you very much.